नमस्कार दोस्तों, बहुत ही ऐसे कम लोग होते हैं जिनके आयुर्वेद की जानकारी होते हैं। हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले पेड़ पौधों की, जड़ी बूटियों की, वनस्पतियों की जानकारी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हमारे वीडियो में दिखाए जा रहे जो ये पौधे, इसका फ़ायदे बताऊंगा। दोस्तों आप सभी को पता है बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और बरसात के मौसम में दोस्तों सांप बिच्छू का बहुत ही ज़्यादा खतरा बना रहता है। तो इस वीडियो के बीच में मैं सांप बिच्छू के जहर उतारने वाला तरीका भी बताऊंगा इस पौधे के माध्यम से। देखिए, मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा, हमारे घरों के आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधा पाए जाते हैं, वनस्पतियाँ पाए जाते हैं जो किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में काम ज़रूर आते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में, जानकारी ना होने की वजह से हम इनका फ़ायदा नहीं ले पाते। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, अपने छोटे से घरेलू ला चैनल में छोटे छोटे वीडियो बना करके आप सभी तक आयुर्वेद की जानकारी शेयर करता हूँ। हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधा होते हैं, वनस्पतियाँ होते हैं, इनकी जानकारी आप सभी तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, जो कि 2 से 5 मिनट की वीडियो में होते हैं। देखिए मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, हमारे वीडियो में दिखाए जा रहे पौधे दोस्तों, इसे बेर के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसे बदर भी बोलते हैं, उर्दू में भी इसे बेर बोलते हैं। आपके इसे कौन से नाम से जाना जाता है कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। इसके फल काफ़ी मीठे होते हैं, बड़े बड़े फल होते हैं, फल इसमें नहीं लगा हुआ, छोटा सा पौधा है, तो मैं पौधे के माध्यम से बता रहा हूँ। इसका फल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मिलता है, काफ़ी स्वादिष्ट भी होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका प्रयोग ना काफ़ी बहुत सारे बीमारी को ठीक करने में करते हैं, जैसे कि सिर दर्द हो रहे हैं, ठीक है। ये 5 मिनट का वीडियो दोस्तों आपको ज़िंदगी भर काम आएंगे, इसलिए वीडियो को कम्प्लीट वॉच पूरा करना, ठीक है। और अगर अच्छी लगती, थोड़ी भी अच्छी लगती है, तो अगर हमारे वीडियो को लाइक करना। अगर हो सकता है दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे जानकारी मिल जाए जो आपको कुछ ना कुछ परेशानी रहता है आने वाले टाइम में, तो ये फायदेमंद वीडियो कंप्लीट वॉच करना। देखिए सबसे पहले दोस्तों ये सिर दर्द को ठीक करने का काम करता है। आजकल देखना दोस्तों भाग दौड़ तनाव भरी जिंदगी में सिर दर्द होना बहुत ही आम बात है। तो दोस्तों अगर आप सिर दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं, अंग्रेजी दवा ले लकर के परेशान हो चुके हैं, अंग्रेजी दवा बहुत ही काफ़ी नुकसान पहुँचाता है, तो अब क्या करें, इसके जड़ को अगर छोटे इसका पौधा मिल जाते हैं बेर के, तो इसके जड़ का प्रयोग कर सकते हैं, इसके जड़ को पीस लेना होता है। अगर इसके छोटे पौधा नहीं मिल पाते, बड़े बड़े पौधे मिल रहे हैं, तो दोस्तों आप इसके छाल भी निकाल करके ला सकते हैं। तो इसके जड़ या इसके छाल को पीस करके मस्तक पर लेप करना होता है, कपाल पे लगाना होता है। 3 से 4 मिनट के भीतर में किसी भी प्रकार के तनाव भरी जिंदगी के कारण सिर दर्द हो रहा, बिल्कुल ही सिर दर्द को ठीक कर देते हैं। आजकल के दोस्तों देखना, देर तक कंप्यूटर में काम करने की वजह से आँखों में काफ़ी दर्द रहता है, दिन भर दोस्तों मोबाइल चलाने की वजह से आँखों में काफ़ी दर्द मतलब भरा रहता है। तो आप क्या करें, इसके पत्ते का पेस्ट बना करके आंख बंद करके 5 मिनट तक आंख के ऊपर पे रखे, इसका लुगदी बना करके पेस्ट बना करके आप देखेंगे आपकी आंखों पे काफ़ी आराम मिलेंगे। अगर आंखों में दर्द रहता है, आंखों में गर्मी रहता है दोस्तों, बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों मुंह के छाले को दूर करने का काम करते हैं। इसके पत्ते का काढ़ा में नमक मिला करके कुल्ला करने से अगर आपके मुँह में छाले आ गए हैं, मुँह में छाले की वजह से किसी चीज़ों को आप खा नहीं पा रहे, काफ़ी दर्द हो रहा है, काफ़ी बेचैनी हो रहा है, तो बिल्कुल ये छाले को ठीक कर देते हैं। मौसम बदला नहीं कि बच्चे से लेकर के बूढ़े में सर्दी जुकाम, ये सारी शिकायत होती है अभी बरसात के मौसम में। तो आप क्या करें दोस्तों, इसके पत्ते को घी में भून करके सेंधा नमक मिला करके अगर आप खाते हैं, तो बिल्कुल ही खांसी दूर होते हैं। देखिए बहुत से लोगों को आयुर्वेदिक चीज़ों पे, आयुर्वेदिक दवा पे विश्वास नहीं हो रही, इसलिए दोस्तों इन सारे फायदों को करना नहीं चाहते, ठीक है ना। मेडिकल में आ जाने के कारण मेडिसिन दवा पर ही भरोसामंद हो गए, लेकिन दोस्तों आप देखना पुराने समय में कोई आयुर्वेदिक दवा, पुराने समय में कोई मेडिसिन दवा नहीं थी, तो उस समय आयुर्वेदिक दवा का ही प्रयोग किया करते थे। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आयुर्वेदिक दवा से बेस्ट दुनिया में कोई उपाय आपको नहीं मिलेंगे। आयुर्वेदिक दवा अगर आपको फायदे नहीं देते, तो नुकसान भी नहीं करते। आगे क्रम में मैं इसका फायदा बता रहा हूँ दोस्तों, ये दस्त को ठीक करने का काम करता है, किसी भी प्रकार के दस्त हो, बरसात में दस्त की समस्या सबसे ज़्यादा होती हैं। तो 1 से 3 ग्राम इसके जड़ के छाल के चूर्ण में, ठीक है, 1 से 3 ग्राम इसके जो जड़ होते हैं, इसके छाल के चूर्ण में मधुरस मिला करके, जिसे हम हनी या शहद के नाम से जानते हैं, ये मिला करके सेवन करना होता है। किसी भी प्रकार के अगर आपको पेचिस की समस्या है, दस्त की समस्या है, बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। बरसात के मौसम में तो ये समस्याओं का फेस करना बहुत से लोगों को करना ही पड़ता है। माता बहनें में लिकोरिया की प्रॉब्लम रहती है, लिकोरिया जिसे हम सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर इसके काढ़े में थोड़ा सा शहद मिला करके पिया जाए, या घी में इसके पत्ते को भून करके, या इसके जो छाल होता है दोस्तों, इसे अच्छी तरह से अगर घी में भून करके गुड़ के साथ मिला करके खाया जाए, तो बिल्कुल ही दोस्तों जो सफ़ेद पानी की समस्या रहती है माता बहनें में ठीक हो जाती हैं।
इसके बाद दोस्तों बहुत से ऐसे युवक हैं या जिनकी शादी होने वाली, स्पर्म अकाउंट बढ़ाना चाहते हैं, वीर्य बढ़ाना चाहते हैं, आजकल की जीवन शैली और आहार का बुरा असर दोस्तों देखना वैवाहिक जीवन पर पड़ता है, जिसके कारण दोस्तों बहुत सारे तनाव को भी झेलना पड़ता है। तो इसकी गुठली की जो मज्जा रहती है छोटे छोटे दाने में रहती हैं जिसे मज्जा बोलते हैं, तो मज्जा को दोस्तों गुड़ के साथ में पीस करके खाना होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही शुक्र बढ़ाते हैं, वीर्य को बढ़ाता है, शरीर को पुष्ट करता है, किसी भी प्रकार के शरीर में कमजोरियां हैं कमजोरी को दूर करने का काम करता है। मैं आप लोगों को इसका एक और अंतिम उपाय बता देता हूँ, इसके बाद मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में भी इसका बहुत सारा फायदा बताऊंगा। तो मैं आप लोगों को बोला था कि बिच्छू के जहर को भी उतारने का काम करता है, किसी भी प्रकार के बिच्छू ने काट दे तो आप एक काम करें, इसके पत्ते को सबसे पहले आपको ले आने हैं, और लाने से पहले पत्ते, इसके जड़, इसके छाल, किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं बिच्छू के जहर को उतारने के लिए। लाने से पहले एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको नमन करना है, यानी कि आपको प्रार्थना करने के बाद ही लाना है। दो आप अगरबत्ती, दो तीन अगरबत्ती की काड़ी रख लीजिए, अगरबत्ती वगैरह, नारियल फोड़ने के बाद अगरबत्ती जलाने के बाद ही वनस्पति को लाए, क्योंकि वनस्पतियों में प्राण होती है, ठीक है, जो पेड़ पौधा होते हैं इनमें प्राण होती हैं, तब जाकर के काम करते हैं, वंदना करके, अगर प्रणाम करके, या आप इनसे अनुमति लेकर के लाते हैं, अनुमति लेकर के ही लाएं कि मैं इस काम के लिए ले जा रहा हूँ, हे वनस्पति आप मुझे आज्ञा दीजिए, इस प्रकार से कुछ बोलते हुए। आप अगर इसके छाल को लाते हैं, इसके पत्ते भी ला सकते हैं, इसके जड़ का भी, छोटे तो जड़ को उखाड़ करके ले आए, बड़े तो इसके छाल को ले आए, जहां पे बिच्छू ने डंग मारो वहां पे पीस करके बांध दे, बिल्कुल ही आप देखेंगे, मैं 101% गारंटी के साथ कहता हूं, 10 मिनट के भीतर में चाहे कैसा भी बिच्छू ने डंग मारो, चाहे काले बिच्छू चाहे भूरे बिच्छू, बिल्कुल ही बिच्छू के जहर उतर जाते हैं, मैं आप लोगों को दावे के साथ कहता हूं। लेकिन हां, प्रार्थना करके वंदना करके लाएंगे तब काम करता है। तो दोस्तों यह था आज की छोटी सी जानकारी बेर के, जो कि आप लोगों के साथ में शेयर किया, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में और भी इसका बहुत सारे फायदा बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो आज के लिए बस इतना ही जानकारी, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।